आज द्वारिकाधीश के चरणों में मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ और यहाँ खंबालिया विधानसभा के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ बैठने का अवसर मिला और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आज दुनिया में जहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जाते हैं और भारत माता की जय का उद्घोष होता है तो देश के एक एक बच्चे का मान सम्मान गर्व के साथ ऊंचा उठ जाता है। और विकास की यदि मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर गुजरात का जो विकास का मॉडल है वो अपने आप में अद्भुत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गुजरात ने अभूतपूर्व विकास किया है और बाद में फिर उसी श्रृंखला को लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है वो अद्भुत मॉडल है। और इस समय भी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो जज्बा है, जो जुनून है और आदरणीय मोदी जी की जो कार्यशैली है, आदरणीय अमित शाह जी की जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को लेकर के मजबूत स्टैंड लिया है और जिस तरह से 35A को लेकर के मजबूत स्टैंड लिया है, देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर के मजबूत स्टैंड लिया है तो एक एक कार्यकर्ता के दिल में हृदय में उल्लास है, जोश है और मैं कह सकता हूँ कि अब की बार पहले से भी बड़े बहुमत के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है। क्योंकि एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है, एक एक कार्यकर्ता ने देखा है, एक एक कार्यकर्ता ने महसूस किया है और जो संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए थे उसी संकल्प को पूरा करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाया है। और कार्यकर्ताओं का जोश, जुनून, कार्यकर्ताओं की रचना, कार्यकर्ताओं का संपर्क इस आधार को तय करता है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में आने वाली।